दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। वीपीडीओ और वीडियो की जो भर्ती धांधली की जो खबरें सामने पर आ रही थी, जो उसकी जांच की जो बात कही जा रही थी, उसमें एक नया मोड़ और सामने पर आया। अब सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है वो हमारे मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन पर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये वीडियो और वीपीडीओ की जो धांधली जो चल रही है और जो लोग इसे कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका संरक्षण जरूर प्राप्त है। इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी पवार, उन्होंने और उनके साथियों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या कुछ पूरा मामला था और सीधा सीधा क्यों मुख्यमंत्री को इसमें ब्लेम किया जा रहा है, तो सीधा हम बॉबी पवार से ही पूछेंगे। सीधा मुख्यमंत्री को भी टारगेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की संलिप्तता इसमें है या संरक्षण उनको प्राप्त है जो ये धांधली वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगा आपको? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी आपने। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास खुद इसके 10 से 12 ज्ञापन पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया ना आना अपने आप में संदेह पैदा करता है। उसके बाद भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन देना ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचारियों को ये मौन समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि ये इसके खिलाफ तो बोल नहीं रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो, कुछ भी हो। हिमाचल में आप देख लीजिए, 10-15 दिन पहले की बात है, वहां पर मामा भांजे का सिलेक्शन हो जाता है, उस आधार पर आवाजें उठती है कि कैसे हो गया। जब उसकी जांच बैठती है तो वहां पर सब सामने निकल कर आ जाता कि पेपर लीक हुआ था। तो यहाँ पर जब जांच ही नहीं बिठाओगे तो क्या निकल कर सामने आएगा? और भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता ये कहते रहेंगे कि तुम सबूत लाइए। अरे पहले जांच तो करिए, ऐसे ऐसे सबूत निकलेंगे कि आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल, ये मामला पेपर लीक का है। हमारे पास जो सबूत पहुंचे हैं आप ये देख सकते हैं, ये लगभग पेपर से 12 घंटे पहले का ये मामला है। 12 घंटे पहले ये सारे उत्तर जो है वो इसमें डेट भी पड़ी हुई है, 4/12 पड़ी है, और सुबह का ये है जबकि शाम को पेपर था। ये 4 तारीख की जो शिफ्ट का पेपर है, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे उत्तरों को इन्होंने रटा दिया है किसी को, और अब कितने लोगों को रटाया है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि डिजिटल आजकल वो चल रहा है तो कितने लोगों के पास एक बारी में पहुंच जाता है वो हमें अंदाजा नहीं है, है ना। तो ये पेपर लीक का मामला आया है, इसमें जांच तो करनी पड़ेगी। और अगर मुख्यमंत्री फिर भी मौन बने रहते हैं तो फिर अभी तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन दिए हुए हैं, तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं खुले कि हाँ ठीक है, ये भी सब लिप्त है, इसलिए इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी UK SSSC के जो अध्यक्ष हैं एस राजू जी, उनको कुछ तथ्य बॉबी पवार जी के द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं और कुछ नाम भी ऐसे दिए जा चुके हैं जिसपे शक है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो भर्ती धांधली हुई इसमें ये कहीं ना कहीं ये शामिल है। और एक नए तथ्य और सामने पर आए हैं बॉबी पवार जी दिखा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीनशॉट ये है इसमें लगातार आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर और 16 तक आपको ये गिनती है, और उसके आगे कुछ इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर ये लिखा हुआ है, और ये केवल एक ही नहीं है और अलग अलग स्क्रीनशॉट है। ये देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा सबूत भी है जो लगातार मांग कर रहे हैं बॉबी पवार, वीडियो और बीपीडीओ जो भर्ती के लिए जो भर्ती में जो धांधली हुई है उसको लेकर। ये देखिएगा, 3 स्क्रीनशॉट इनके पास है, तकरीबन 65 इसमें 65 ही है, 63 उत्तर इसमें है। कितने नंबर का होता है ये टोटल? 100 नंबर का होता है। 63 उत्तर आपके पास है? 63 हमारे पास पहुंच चुके हैं। जिनके माध्यम से हमें मिला उनका कहना है कि ये 4 दिन पहले लीक हो गया था पेपर, 4 दिन पहले बाहर आ गया था। तो अगर ऐसी बात है तो 4 दिन में कितने लोगों तक ये पहुंचा है अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। और हमने ये खुद आयोग के अध्यक्ष को सौंप दिया है 21 तारीख को, उन्होंने अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है। हम चाहते थे कि ये ऐसे सबूत मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष तुरंत इस पर कोई संज्ञान लेंगे और तुरंत कोई एक्शन लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सर, ये दुख सारे होंगे कि जांच भी आपकी करें, मैं थोड़ा सर के पास भी आता हूँ। एक तरफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अभी चुनाव भी हैं, वहाँ पर इन्होंने रैली भी करी थी, तो क्या सरकार के कानून पर जू नहीं रेंग रही है? क्योंकि बड़े बड़े बैनर पोस्टर में हम देखते हैं कि जीरो टॉलरेंस का नारा दिया जाता है, डबल इंजन का नारा दिया जाता है, युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया जाता है, और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री पर 8-10 ज्ञापन अभी तक जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कान में रूई डाल के बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको? एक तरफ हम हिमाचल का उदाहरण हम देख रहे हैं कि हिमाचल में थोड़ा सा एक कुछ उन्हें सबूत मिला, उसके आधार पर जांच की गई, तकरीबन 70 लोगों की गिरफ्तारी वहां पर हो गई, और यहां पर एक स्क्रीनशॉट पूरे बॉबी पवार के पास है। इससे पहले भी एस राजू से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, सचिव से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई का कोई जिक्र तक नहीं।
देखिए, जहाँ तक इस प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सबसे ज़्यादा जो निराशाजनक अब तक रहा है वो आयोग की तरफ से रहा है, क्योंकि आयोग के पास इतनी बार इन्होंने गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री आवास भी इन्होंने कूच किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है उसके सामने मुझे लगता है कि इस प्रकार के मुद्दे बहुत बोने साबित हो रहे हैं। ये आप सभी लोग समझते हैं, चाहे वो पूर्व में हो रहे चुनाव हो या इस वक्त के जो चुनाव हो, उनके सामने इस प्रकार के मुद्दे उनको बोने साबित हो रहे हैं। लेकिन आयोग के पास जब इतनी बार गुहार लगाई गई है, पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें कि मामा भांजे का सिलेक्शन हुआ, लोगों ने आवाजें उठाई, उसके ऊपर जांच हो गई, एक जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक गांव का नाम बता दिया जाएगा कि वो गांव कौन सा है, उस गांव के एक वो राजनीति से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उस गांव के एक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के एक परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, भाई का, भाभी का, घर में काम करने वाली एक लड़की का, और भी कुछ उनके सगे संबंधियों का सिलेक्शन हो जाता है अधिकारी जैसे पदों पर। तो मुझे लगता है कि देहरादून के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है उनको भी एक बार जो मूल मंत्र है एक बार वहाँ जाकर जो है उस गांव में जाकर उन लोगों से जाकर ले लेना चाहिए कि भाई किस प्रकार से सिलेक्शन होते हैं, शायद आगे से बच्चे जो है उस प्रकार से तैयारियां करना शुरू करें। उन लोगों को भी हम बहुत अच्छे से बेपर्दा कर सकते हैं, लेकिन यदि सारे सबूत हम लोगों को ही लेकर आने हैं या बॉबी पंवार और उनके साथियों को ही अगर सारे सबूत लेकर आने हैं, तो सरकार और आयोग ये भी लिखित में दे दे कि सबूत लाने के बाद सजा भी जो है बॉबी पंवार और उनके साथी ही देंगे। फिर आपके जो जांच अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो मोटी मोटी तनख्वाह लेकर क्यों बैठे हुए हैं? इतने दिनों से गुहार लगा रहे हैं कि आप जांच कीजिए, ये कहते हैं कि सबूत लाइए। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है मुख्यमंत्री जी पे जो इन्होंने आरोप लगाया है, वो आरोप लगाने का मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि इतने दिनों से जो बात कही जा रही थी कि आप सबूत लाइए, पेपर लीक के तक सबूत अगर आ गए इसके बाद भी अगर जांच नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। हम आज परीक्षा अगर नहीं दे रहे हैं तो कल हमारे बच्चों ने परीक्षा देनी है, हमारे छोटे भाई बहनों ने परीक्षा देनी है, और इस प्रकार से अगर बड़े बड़े पदों पर यदि इस तरीके से अनियमितताओं के साथ और जिस प्रकार से सभी लोग समझ रहे हैं, दबी आवाज़ में सभी लोग कह रहे हैं कि कितने मोटे पैसे हर पद के लिए दिए गए हैं, अगर इस प्रकार से वो लोग इस तरह से अगर किसी पद पर बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस में आ रहा है कि जो एक घपले जो धांधली में जिन लोगों का नाम सामने पे आ रहा है दबी जवान, उनका कनेक्शन बहुत लंबे लंबे हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी फोटो देखी जाए, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनकी फोटो देखी जाए, कितनी सत्यता है इस मामले में? लगाते हैं जी, देखिए मुख्यमंत्री जी से मेरी चाहे 50 बार मुलाकात हुई हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्रवाई ना करें 8-10 ज्ञापन देने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं संशय भी मन में होता है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरीके। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को डर होता है वो लोग जैसा आप कह रहे हैं कि फोटो लगाते हैं, वो लोग इसलिए लगाते हैं कि बाकी जांच अधिकारी और अन्य लोग इनसे थोड़ा सा डरे रह जाए कि इनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, या कभी जबरदस्ती इन्होंने मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा ली हो तो इनकी पहुंच मोदी जी तक है, इस प्रकार के लोग ही ऐसा करते हैं। और कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ये सत्यता का भी तो प्रमाण है कि पहुंच है उन लोगों तक जी, इस बात का सबूत ये भी है। देखिए उसके लिए राजनीति के बाद यदि इसमें राजनीतिक जो लोग हैं जिनसे अभी तक गुहार लगाई जा रही है, यदि वो लोग नहीं करते तो उसके बाद न्यायालय है, अभी भी हमें अपनी व्यवस्थाओं पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। इसके बाद यदि अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय के शरण में जाएंगे। हर मुद्दा उत्तराखंड में न्यायालय के शरण में जाता है, तो जनता भी ये सवाल पूछती है कि जो हमने सरकार चुनी है ये डबल इंजन सरकार, आखिर ये किस काम की जब हर मुद्दे को हमें न्यायालय भेजाना है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ हैं, लगातार मुद्दे उठाते भी रहते हैं। सर एक सवाल आपसे ये भी है कि जीरो टॉलरेंस का नाम हमने बहुत सुना, दोबारा से सरकार आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ये सबूत इतने मिल जाते हैं, लगातार जो बॉबी पंवार हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, UKSSC के जो अध्यक्ष हैं जो सचिव हैं उनको कुछ सबूत भी दिए हैं, और एक तो बहुत बड़ा सबूत ये सामने पे है, बिल्कुल स्क्रीन शॉट है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 8-10 ज्ञापन मुख्यमंत्री को दे चुके हैं। देखिए जीरो टॉलरेंस जो ये शब्दावली है ये सिर्फ शब्द हैं और ये जनता को मूर्ख बनाने वाला एक आईवाश है। यथार्थ बिंदु ये है कि प्रत्येक जितनी परीक्षाएं हो रही हैं प्रत्येक परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है।
आप लगातार देख रहे हैं और बेरोजगार संगठन के ये युवा लोग लगातार ये बात उठा रहे हैं, कभी बोगस किस्म की एजेंसीज जो मध्य प्रदेश में या बाहरी राज्यों में जो बैन होती हैं उनको आप एंगेज करते हैं, जब आप खुद परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस तरीके की लीकेज होती है, इस तरीके के लीकेज के बाद जब प्रूफ कोई देना चाह रहा है और ये जिस प्रकार भगत सिंह और राजगुरु हुआ करते थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस होते थे, उस प्रकार के देशभक्त लोग हैं और जो इस व्यवस्था की खामियों को लड़ा रहे हैं। आज हम अंग्रेजों के टाइम पे तो हमने गोरे अंग्रेजों से लड़े, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और ये अपनी बात उठाकर सत्ता व्यवस्था के समक्ष ला रहे हैं, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसमें जांच के आदेश देने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों की जगह जो परीक्षाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं और जो इस तरीके का लाभ ले रहे हैं उन परीक्षाओं में गड़बड़ी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, तो उनकी जगह जेलों के भीतर होनी चाहिए। वो बैठेंगे सचिवालय के भीतर, विधानसभा के भीतर, कार्यालयों के अंदर, ये मंजूर नहीं किया जा सकता, मंजूर नहीं किया जा सकता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले भी दो आईएएस और एक पीसीएस जो अधिकारी हैं उनके परिजनों पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का एक मुकदमा हुआ है और नोएडा में हुआ। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, जिला अधिकारी है, शासन प्रशासन में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी अधिकारी हैं। अब बॉबी पंवार जी के पास मैं लास्ट में आता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉबी पंवार राजनीति इसमें कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉबी पंवार झूठी मूठी अफवाह फैला रहा है, और आज आपने बताया कुछ धमकियां भी आपको आ रही हैं, क्या कुछ है इसके पीछे, क्या वाकई में राजनीति हो रही है ये सब चीज़ें? देखिए, यदि आप लोगों को या किसी को भी ये राजनीति लगती है, भ्रष्टाचार को उजागर करना यदि राजनीति है, तो हाँ मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि फिर हम राजनीति कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना राजनीति है और अगर असहाय लोगों की लड़ाई लड़ना या बेरोजगारों की लड़ाई लड़ना राजनीति, तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। पहले मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति वो लोग नहीं कर रहे हैं जो आपके शासन स्तर से लेकर प्रशासन स्तर तक मिले हुए हैं, वहाँ से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन पर कई मुकदमे ऐसे दर्ज हुए हैं जिसमें गैंगस्टर एक्ट लगा है, इसी मामलों में कि परीक्षा लीक करवाने के मामले गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। क्या होता है, गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद ये भी होता है कि अगर कोई उस प्रकार के अपराध मतलब दोबारा करने की वो कोशिश करे या संभावना है उस व्यक्ति द्वारा, तो उसे उस परीक्षा से 8-10 दिन पहले जेल कर देना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा 4 और 5 दिसंबर को ये पेपर था, उल्टा बॉबी पंवार को 3 दिसंबर को सुद्धोवाला जेल में डाला गया, 5 तारीख को छोड़ा गया। बॉबी पंवार की जगह वो सुद्धोवाला जेल नहीं थी, वो उन भ्रष्टाचारियों की जगह थी जिन पर गैंगस्टर एक्ट इस परीक्षाओं में अनियमितताओं के उस पर लगा हुआ था, उनको जेल के अंदर डालना था। परंतु यहाँ पर परिपाटी उल्टी है। मैं कहना चाहूंगा जब मामला लीक का है, पेपर लीक का है, तो इसमें क्या राजनीति है? जब भाई लीक हुआ है तो इसकी जांच करवाइए ना, आप जांच करवा दीजिए इस चीज की, जांच में जो सामने आएगा उस पर आप उसके बाद निर्णय ले। आप पहले ही ये क्या कह दे रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं, लोग धमकी भी दे रहे हैं, सुनने में आया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा मैं कर रहे थे उसमें बता रहे थे कुछ लोगों की धमकी भी दे, स्क्रीनशॉट आपके उनके पास? बिल्कुल, कुछ लोगों की धमकियां भी आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम क्यों ना बोले, हमारे मुख्यमंत्री हमने वोट दे के जिताया है, है ना, हमने वोट दिया है तब सरकार बनी है, तो हम हमने इसलिए गया था कि अंकुश लगा, जब वोट दिया है तो हम आज छाती ठोक के कह सकते हैं, हम छाती ठोक के विरोध भी कर सकते हैं कि आपने ये आप गलत कर रहे हो, इसलिए आप इस पर कार्रवाई करिए। और ये जो मौन धारण किए हुए हैं मुख्यमंत्री, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जल्द ही यदि इस पर कोई प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की नहीं आती है, तो चंपावत के मैं लोगों से कहना चाहता हूं, चंपावत के जो हमारे युवा साथी हैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चंपावत के उन अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनके बच्चे एक एक दो दो नंबर से बाहर हो रहे हैं इस भ्रष्टाचार नीति के कारण, उनसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी वोट ना दें। सीधी सी बात है, हम क्या कुछ मिल रही थी, आप स्क्रीनशॉट भी इसमें दिखा रहे थे कि कुछ लोगों की, हम क्या ये देखिए, ये इस प्रकार की मिल रही है, ये मैसेज आते हैं इस नंबर से, बॉबी पंवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, मैंने कहा हाँ जी हम, आप कौन, तो वो सीधे कहते हैं कि सीएम को क्या बोल रहे हैं, कंप्लेन जारी हो जाएगी, आपके प्रूफ भी आएंगे। मैंने कहा सीएम को बोल रहा हूँ चोर है, जब कुछ बोल नहीं रहे तो हमें बोलने में कोई वो नहीं है, हम कह रहे हैं। मैंने कहा आप हो कौन,
तो मैंने जब ये कहा आप हो कौन, तो ये कह रहे हैं कि कल पता चल जाएगा, कल तक पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है, कल तक किसे क्या पता चलता है, पर जब हमने ट्रू कॉलर से निकाला है तो ये चीजें सामने आई है। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनके साथ का इनका फोटो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदर के ही लोग धमकियां दे रहे हैं। सीधी सी बात यह है, तो अंदर के लोग धमकियां दे रहे हैं, यदि बॉबी पुहार पर कुछ कल के दिन आंच भी आती है तो ये जिम्मेदारी भी अंदर के लोगों को लेने पड़ेगी कि हमारे साथ क्या हुआ, ये अंदर के लोगों को जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। तो ये तमाम प्रकार के इल्जाम जो हैं वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लगा रहे हैं कि करीबन 8 से 10 बार ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है, और जो इस धांधली में जो लोग शामिल हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनके फोटो जाती है, और मुख्यमंत्री का संज्ञान लेना तक कहीं ना कहीं ये प्रतीत कराता है कि संलिप्तता या संरक्षण कहें, जो ये धांधली जो वीडियो वीपीडियो की ये अभी तक जांच नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ। और इसके साथ साथ धमकियां भी कई दी जा रही हैं, आखिर ये जांच कब तक होगी, आगे इसमें क्या कुछ अपडेट है, ये जांच होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इस जांच के लिए जो यूके SSSC के जो अध्यक्ष हैं राजू जी, उनको बॉबी पवार के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है और कुछ सबूत भी उनको दिए गए हैं, तो आखिर देखते हैं कि कब तक इसमें जाँच होगी। तब तक के लिए बने रही है प्रभजन डिजिटल के साथ, धन्यवाद।